फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं नीलिमा, आप देख रहे हैं नारी जीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूं खुश रहने की चाबी क्या होती है। तो मैं आपको 5-6 ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूं जिन्हें आप अगर फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे, कभी भी सैडनेस आपको दूर दूर तक नहीं छू सकती है। खुश रहना कौन नहीं चाहता है? सभी लोग चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और हमें बना देती हैं दुखी और सैड। और पता है, सैड लोगों से कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि सैड लोगों से ना सब लोग दूर रहना चाहते हैं, कि ऐसा लगता है कि मतलब अरे यार, वो तो हमेशा दुखी ही रहते हैं, मतलब कब देखो आके अपनी प्रॉब्लम्स ही बताता रहता है। मतलब थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करें, कभी कॉल करो तो प्रॉब्लम, कभी मैसेज करो तो उसमें भी प्रॉब्लम, मतलब हमेशा वो दुखी ही रहेगा। आप अगर अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, और ये मुझे लगता है सबके साथ होती है, कि मतलब दुखी होने का ना, सैड होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है मुझे लगता है, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, जो हम सबसे एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं ना, कि मतलब उम्मीदें लगा के, और वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती हैं तो फिर हमें सैडनेस होती ही होती है। ये आप मतलब इससे तो आप लोग एग्री करोगे, ये सबके साथ हुआ होगा। मैं इसके लिए कुछ आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि आप अपने हस्बैंड से, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद क्या लगाते हैं, कि हमारे हस्बैंड हमारी सारी बातें बिना कहे ही समझ जाएं, या फिर हम जो भी कहें वो मान लें। तो ऐसा नहीं हो सकता है, बट हम लोग ऐसा सोचते नहीं है, हम लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि नहीं नहीं हमने मन में कुछ सोच लिया, वो हमारे हस्बैंड को पता चल जाना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आएं, या फिर सिंपल सा घर में हमने जो बनाया है उसे प्यार से खाएं। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। हम लोग अपने आप से उम्मीद करते हैं कि चलो कल हम लोग सुबह उठेंगे और इतना काम कर लेंगे, और जब नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हम उदास बैठ जाते हैं कि सोचा था इतना काम करेंगे पर नहीं कर पाए। इसके अलावा मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, और मैं भी उसमें आती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता होगा। सीरियसली गाइस, मेरे साथ तो पहले ऐसा बहुत होता था, मैं तो सबसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाती थी कि सब लोग मेरी बातें समझे, मेरी बातें माने, और जब लोग नहीं मानते थे तो सीरियसली मैं रोना शुरू कर देती थी। बट अभी मैंने काफ़ी इसको चेंज किया है बहुत हद तक, तो मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊँगी कि कैसे मैंने ये सब चेंज किया। फिलहाल तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें चेंज करनी है। तो इवन हम लोग छोटी छोटी चीज़ें, हम लोग अपनी मेड से, जो आपके घर में आपकी हेल्प करने के लिए आती हैं, उनसे भी आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि वो कभी छुट्टी ना लें, काम ज़्यादा करें, पैसे कम लें, बहुत सारी मतलब उल्टी सीधी एक्सपेक्टेशन भी हम लोग करते हैं। और वो छुट्टी ले लेगी तो हम लोग मतलब दुखी तो नहीं होंगे पर गुस्से में जरूर बैठ जाएंगे, उसकी वजह से अपनी हेल्थ जरूर ख़राब कर लेते हैं कि देखो आज छुट्टी ले लिया, अब इतना सारा काम है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। सोचिए, आप अपने अकेले के घर का काम अकेले नहीं कर पा रहे हो, आपको उसके लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है। तो वो बेचारे जो मेड हैं, वो लोग तो मतलब अपने घर के साथ साथ 4-5 घरों का और काम करते हैं, वो भी तो इंसान हैं, उन्हें भी तो एक दिन आराम की ज़रूरत होती है। तो हफ्ते में एक छुट्टी ले भी ली तो क्या बड़ी बात है, उस दिन आप सोचिए कि आपका बोनस पॉइंट है, आज आप अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, अपने हिसाब से काम करो, खाना बनाओ, अपने पसंद का, अपने हाथों का खाना सबको खिलाओ। चलिए, ये तो हुई एक्सपेक्टेशन की बात। अब एक्सपेक्टेशन मतलब दुखी, ये तो कारण है कि दुखी हम क्यों होते हैं, कब इंसान दुखी नहीं होता है। तो वो होता है कि जब हम अपने काम से सेटिस्फाई होते हैं तब हम दुखी नहीं होते हैं। सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, और ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और इस वजह से हम लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं। हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं,
मतलब हम एक लेवल पे पहुंचते ही हम दूसरे लेवल के बारे में सोचने लगते हैं, और हमेशा अपने से बड़े लोगों को देखते हैं कि अरे नहीं देखो वो तो वहां पहुंच गया, हम तो अभी यहीं पे हैं। तो कोशिश करना बुरा नहीं है, आप कोशिश करो, मेहनत करो, कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन रखो, आगे बढ़ना गलत नहीं है, पर अपने काम से दुखी होना गलत है, अनसेटिस्फाइड होना गलत है। मतलब आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप जितने टाइम में आपने ये काम किया है, हो सकता है कुछ लोगों ने उसी टाइम में आपसे अच्छा भी किया हो, पर बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपसे खराब भी किया है। तो आप एक मतलब नॉर्मल एक लेवल पे अगर हो तो आप अपने काम से सेटिस्फाई रहो, आप अपने दिमाग को, अपने आप को ये बताओ कि नहीं हमने ये काम किया और ये काम अच्छा है। तो आपका दिमाग जो होता है ना वो बहुत अच्छा काम करता है इस चीज़ के लिए। अगर आप अपने दिमाग को 10 बार ये मैसेज दे दोगे कि ये काम अच्छा है, तो आपका दिमाग फिर 100 ऐसे रीज़न आपके सामने रखेगा कि ये काम क्यों अच्छा है। चलिए इसको ट्राई करिएगा। जो इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। सो इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए, आज मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, सेम चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव तरह से देखते हैं। मतलब सेम, जैसे कि सिंपल सा अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मेरी मेड नहीं आई, तो एक क्या इंसान होगा कि वो बैठ के मतलब गुस्से में दुख में बैठ जाएगा कि अरे यार मेड नहीं आई, बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कैसे हो पाएगा, मतलब इतनी सारी चीज़ें, तो वो परेशान ही है, दुखी ही हो जाएगा। और एक होते हैं पॉजिटिव कैटेगरी के लोग, चलो आज मेड नहीं आई है ठीक है उसे भी आराम करने दो, आज हम लोग बाहर जाएंगे होटल का खाना खाएंगे, और काम का क्या है, एक दिन नहीं भी होगा, थोड़ा बहुत खुद कर लेंगे, थोड़ा बहुत रहने देंगे, कल वो आएगी तो कर लेगी। तो देखिए अब दोनों में क्या अंतर है, एक तो टेंशन में बैठा हुआ है और दूसरा वहीं पे खुश है, बाहर गया, एंजॉय किया फैमिली के साथ, शाम को आराम से खा पी के घर आया। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि आपको किस कैटेगरी में रहना है। तो इसी तरह हर चीज़ को देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो आपको हमेशा अच्छे पहलू को ध्यान देना है। कुछ भी होता है, मतलब आपका बच्चा अगर अच्छे नंबर नहीं ला रहा है स्कूल में, तो आप ये सोच के मत उदास होइए कि अरे यार उनका बच्चा तो फर्स्ट आता है, मेरा बच्चा तो कोई रैंक नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसा, आप लोग बहुत सोचते हैं और इसकी वजह से बच्चों को प्रेशर भी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अरे आप लोग ये सोचिए कि चलिए पढ़ाई में नहीं तो आपका बच्चा टेक्नोलॉजी में या ड्राइंग में या एक्टिविटी में किसी चीज़ में तो अच्छा होगा, तो आप उस चीज़ को लेके खुश हो जाइए कि चलिए यहाँ नहीं तो इस फील्ड में मेरा बच्चा अच्छा है। चलिए अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि डोंट चेंज फॉर अदर। जी आपको कभी भी दूसरों की खुशी के लिए खुद को चेंज नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा दुखी करता है हम लोगों को। शुरू में हो सकता है आपको ना भी लगे, लेकिन आप अगर दूसरों को खुश करने के लिए खुद को चेंज करते हो ना, तो वो एक ज़बरदस्ती का चेंज होता है और उसकी वजह से आपको हमेशा बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि सिंपल सा है, ड्रेसिंग सेंस। अगर आप किसी को आपका ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है और आप उसकी वजह से अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करते हो, जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे मैं सूट पहनती हूँ और मेरे सास ससुर सॉरी नहीं है, मतलब अगर आपके सास ससुर हैं या कोई भी है, वो लोग आपको ज़बरदस्ती साड़ी पहनने के लिए मजबूर करते हैं और आप उनकी खुशी के लिए साड़ी पहन भी लेते हैं, तो क्या होगा, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। मतलब आप साड़ी संभालते रह जाओगे, आपको वो पहननी ही नहीं आती, या फिर पहननी भी आती है तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो। सो ऐसा काम बिल्कुल मत करिए, आप जैसे हो वैसे रहिए, जिसे आपको पसंद करना है वो आपको वैसे ही पसंद करेगा, ट्रस्ट मी। और जो आपको नहीं पसंद करता है ना, उसके लिए आप अपनी सारी हैबिट्स को चेंज कर लो, फिर भी वो कहीं ना कहीं आपकी बुराई निकाल ही लेगा और आपको ना पसंद करने का बहाना ढूंढ ही लेगा। तो चेंज कभी भी दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा आप जैसे हो वैसे रहो। अब फिफ्थ पॉइंट में ये बताना चाहती हूँ कि अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव चेंजेस करते रहें। अभी मैंने कहा कि चेंज नहीं करना है, तो वो मैंने ये कहा कि आप
दूसरों के लिए खुद को चेंज मत करो, पर अपने अच्छे के लिए पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लाते रहना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन कम ना बंद कर दीजिए, खुद के काम से संतुष्ट रहिए, ये सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, तो इन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर लाइए। पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में लाने से आपकी लाइफ और भी बेहतर होती है और आप एक अच्छे बेहतर इंसान बनते हैं जिसे हर कोई पसंद करेगा। अब लास्ट चीज़ में आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। ये बहुत ही मस्ट है, क्योंकि जब आप अपने अंदर अच्छी चीज़ों को ट्राई कर रहे होगे, अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होगे, तो ये जो नेगेटिव पीपल्स है ना, ये आपको ऐसा करने नहीं देंगे। सीरियसली, ये मैं सीरियसली बता रही हूँ कि नेगेटिव जो पीपल्स होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं इवन, उनसे भी आप दूर रहिए, जो लोगों की बुराइयां करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि आप कुछ काम कर रहे हो और कोई आके आपको उसके लिए नेगेटिव कमेंट करे, अरे यार ये क्या कर रही हो तुम, मतलब फालतू का। जैसे कि मैं ही यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, अब कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे कितना अच्छा लगता है। अभी मैं नई नई यूट्यूबर हूँ, अगर मुझे 10 अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ, मतलब इतने लोग मुझे देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है, तो मैं और मेहनत करूँ, और अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, और पढ़ूँ, और सर्च करूँ। बट अगर वहाँ पे मुझे 10 लोगों ने बैड कमेंट किए कि क्या कर रही हो, क्या बकवास बना रही हो, ये वो कुछ भी, सो तब क्या होगा कि कितना भी मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, बट कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार, कुछ तो गलत हो गया। होता है ना ऐसा, आपके साथ भी होता है ना? होता ही है। अगर कोई गलत बोलता है ना हमारे काम को, और बार बार कोई गलत बोलता है ना, तो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप नेगेटिव पीपल से खुद को बचा के रखें, दूर रखें उनसे, ताकि आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। और जब पॉजिटिविटी रहेगी तो हैप्पीनेस तो आनी ही आनी है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। जैसा कि मैं हमेशा लास्ट में आप लोगों को कहती भी हूँ कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा। बाय।